किचन में एक बार मैजिक मसाला रख के तो देखिए, आपके किचन में मैजिक हो जाएगा। बच्चे जो सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं, वो लोग भी मांग मांग कर खाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं स्मृति। आज हम बनाएंगे मैगी का मसाला है मैजिक, जो हर सब्जी में मैजिक जगा देता है स्वाद का। वो मार्केट में छोटे छोटे 5 रुपए के पैकेट मिलते हैं ना मसाला है मैजिक का, बिल्कुल वही होममेड मसाला है मैजिक हम घर पे बनाकर रेडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है ये स्पेशल मैजिक मसाला। तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम पे एक पैन रख लेंगे। पैन जैसे ही गर्म होगा, हमें कुछ सूखे खड़े मसालों को रोस्ट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून ये साबुत धनिया, साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। यहाँ पे मैंने लिया है 20 से 30 काली मिर्च, साथ ही में 1 टेबलस्पून हम डालेंगे फेनल सीड सौंफ, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है मेथी दाने, 1/4 टीस्पून ही लेना है आपको। साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे ये 4 मैंने सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिनको अभी हम डंडियों के साथ ही रोस्ट करेंगे। करीब 2 इंच मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 5 से 6 हम इसमें डालेंगे इलायची। यहाँ पे मैंने नटमेग लिया है, तो एक आधा टुकड़ा लिया है हमने नटमेग का, जायफल। और 5 से 6 हम इसमें लौंग डाल देंगे। तो हमें इन मसालों का बस मॉइस्चर ख़त्म करना है, इनको बहुत ज़्यादा आपको सेकना नहीं है, इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना है। बस हमें 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख के इसे भून लेना है। और ये जो खड़े मसाले मैंने यूज़ किए हैं, ये एक्यूरेट है बिल्कुल, इसी रेशियो से आप भी मसाला मैजिक बनाइए, आपका मसाला भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसे 2 मिनट हमने भून लिया है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे बिल्कुल। तो देखिए, खड़े मसाले जो हमने भुने थे ये ठंडे हो गए हैं। अब हम ये मिर्चियों के डंठल तोड़ लेंगे। इनको बाद में तोड़ने से जो मिर्चियाँ भूनने के टाइम पे जो आँखें जलती हैं और खांसी होती है वो नहीं होती। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, मिक्सर जार, इसके अंदर हम ये सारे खड़े मसाले डालेंगे। तो इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने से पहले हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टेबलस्पून जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही में 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक। आप इसमें चीनी, नमक, आमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये 4 चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड, जिसे नींबू का सख्त भी कहते हैं। तो सिट्रिक एसिड हम इस मसाले में डालेंगे, जिससे मसालों का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही में ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है, मसाले आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो उसकी जगह पर आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या अरारोट डाल सकते हैं, वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है, मॉइस्चर नहीं लगती उससे। साथ ही में हम इसमें लेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑनियन पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। तो ये ऑनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर आसानी से मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। अगर आप घर में चाहें तो घर में भी इसे ईजिली बना सकते हैं। अब हमें इन सारे मसालों को ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, हमने मसालों को ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा मसाला है मैजिक बनके तैयार है। बिल्कुल प्योर होममेड मैजिक मसाला है ये। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा मैजिक मसाला बन गया है। 1 चम्मच मार्केट में मिलता है करीब 5 रुपए में, वो भी क्या होता है कभी मिलता है कभी नहीं मिलता और हम परेशान होते हैं। तो अब आप ये होममेड मैगी मसाला घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और अपनी हर सब्जी का स्वाद दोगुना कीजिए। चाहे आप भिंडी बना रहे हो या आलू गोभी या बैंगन, ये हर सब्जी में डालने से इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी हर सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो आप ही ये होममेड मैगी मसाला की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये होममेड मैगी मैजिक मसाला की रेसिपी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे पेज इंडिया का तड़का पे नहीं है तो पेज को फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।